प्रिय शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक स्तर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है बिहारी। शिक्षार्थियों, आप जानते ही होंगे कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। रीति काल में भक्ति और नीति की धारा तो बनी ही रही, किंतु उसमें श्रृंगार वर्णन, प्रकृति चित्रण और भाव तथा भाषा का विलक्षण प्रस्तुतिकरण जैसी विशेषताएं भी जुड़ी। रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी माने जाते हैं। उनकी कविता में इन सभी प्रवृत्तियों की अनोखी छटा मिलती है। अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य से उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में असीम अर्थ संभावनाएं भर दी हैं। उनके इसी गुण के कारण कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। कवि बिहारी लाल रीति काल के सुप्रसिद्ध और चर्चित कवि हैं। उनकी विशेषता रही है कि वे श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति संबंधी गहरी बातों से लेकर लोक व्यवहार संबंधी ज्ञान रखते हैं। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। उनका प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यह दोहा उन्होंने मंगलाचरण के रूप में लिखा है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, अतः उन्होंने इसमें राधा को अधिक महत्व दिया है और उनसे सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना करते हुए अपनी काव्य रचना को निर्विघ्न समाप्त करने के वरदान का निवेदन किया है। शिक्षार्थियों, बिहारी सतसई एक श्रृंगार प्रधान रचना है, जिसके नायक प्राय कृष्ण तथा नायिका प्राय राधा को माना गया है। आज इस कार्यक्रम में हम बिहारी के कुछ दोहों का आनंद लेंगे और उनसे संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चर्चा के लिए हमारे उद्देश्य क्या होंगे। इस पाठ के बाद आप किन किन योग्यताओं को प्राप्त कर सकेंगे? तो हमारे उद्देश्य होंगे, बिहारी लाल के दोहों में प्रकृति चित्रण के सौंदर्य को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर सकेंगे, उनके दोहों के मुहावरों के काव्यात्मक प्रयोग की सराहना कर सकेंगे, कविता में भाषा और अलंकारों के सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे, बिहारी के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, हम सबसे पहले पहला दोहा लेते हैं। यह दोहा है, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए। प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ सतसई से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ, पर हे श्री कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसा ही हे कृष्ण तुम भी कर रहे हो। शिक्षार्थियों, इस दोहे में तुम और जगत गुरु जैसे संबोधनों तथा सांसारिक हवा लगने के उलाहने से भक्ति के अंतरंग भाव की पुष्टि होती है। आपने शायद बाय आना या हवा लगना जैसे प्रयोग सुने होंगे। किसी के व्यवहार में अचानक असामान्य परिवर्तन आने पर यह कहा जाता है। नए जमाने की हवा लगना भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है, यानी जब किसी व्यक्ति के आचरण में, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन होता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रस्तुत दोहे में इस मुहावरे का सुंदर काव्यात्मक प्रयोग हुआ है। आप जानते ही हैं कि जहाँ एक वर्ण की निरंतर आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस दोहे में श्याम सहाय और जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय में क्रमशः स और ज वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं, मकराकृत गोपाल कैं कुंडल सोहत कान, धस्यों मनो हिय घर समर ड्योढ़ी लसत निशान।
इस दोहे में श्री कृष्ण की ही चर्चा है, लेकिन थोड़े भिन्न रूप में। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं कि प्रेम और श्रृंगार के देवता का नाम कामदेव है? उनके अनेक नाम हैं, जैसे मदन, मन्मथ, रतिनाथ, अनंग, स्मर आदि। इस दोहे में स्मर नाम का प्रयोग समर कहकर कर दिया गया है। कामदेव को सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। वह ऐसा योद्धा है जो प्रत्येक मनुष्य और देवताओं तक को अपने बाणों से जीतने का सामर्थ्य रखता है। कैसे होंगे भला उसके बाण? उसके बाण अत्यंत कोमल, सुंदर और सुगंधित फूल के समान हैं, और उसके ध्वज पर मकर का चिन्ह अंकित है, इसीलिए उसका एक नाम मकर ध्वज भी है। तो इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं, श्री कृष्ण के कानों में मकर अर्थात मगरमच्छ की आकृति के कुंडल शुभायमान हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश करके उसे जीत लिया है, यानी उसने कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया है, और उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक यह ध्वज लहरा रहा है। अर्थात नायिका के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उसके प्रति प्रेम का अंकुरण हो गया है। शिक्षार्थियों, अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाहीं, आँखें आँखें लगी रहें, आँखें लागती नाहीं। शिक्षार्थियों, इस दोहे में बिहारी ने नायिका या नायक की याद में डूबे हुए नायक या नायिका का वर्णन किया है। आइए अब इस दोहे की व्याख्या करते हैं। विरहग्रस्त नायक या नायिका अपनी सखी या अपने सखा से अपनी मनोदशा का वर्णन करता है या करती है और कहती है कि जब जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी सुध-बुध भूल जाती हूँ, यानी उनका स्मरण करते ही मैं अपनी सारी चेतना, सारी सुध-बुध गंवा बैठती हूँ। मेरी आँखें उसकी आँखों में ही उलझी रहती हैं, अर्थात मेरा ध्यान उसकी आँखों में ही लगा रहता है, फलस्वरूप मुझे नींद भी नहीं आती। यह अर्थ नायिका के पक्ष में है। इसी तरह इसके विपरीत नायक के पक्ष में भी यही अर्थ समझा जा सकता है। आपने देखा कि आँख लगना मुहावरे की दोनों अर्थ छवियों का एक ही पंक्ति में प्रयोग है, जो बहुत ही सराहनीय है। सुधी शब्द तथा आँख लगना मुहावरे का दो दो बार लेकिन भिन्न अर्थ में प्रयोग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। इस दोहे में जब जब, तब तब, सब और आँखें आँखी में क्रमशः ज, ब और आ की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। शिक्षार्थियों, अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। कनक कनक तें सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाएं बौरात है या पाएं बौराए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। कवि कहता है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक खतरनाक होता है। शिक्षार्थियों, इस दोहे में कनक शब्द पर आप ध्यान दें, जिसका प्रयोग दो बार किया गया है। आप जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना। पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि वह धन दौलत के पर्याय के रूप में भी होता था। सोने के अतिरिक्त कनक शब्द का एक और अर्थ है, और वह है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जिसके खाने से नशा हो जाता है। एक और शब्द है बौरात या बौराए पे ध्यान दीजिए। बौराना का अर्थ होता है मस्तिष्क की ऐसी स्थिति जिसमें आदमी बहकी बहकी बातें करता है, अर्थात असामान्य व्यवहार करता है। नशे की तरंग में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। सामान्य रूप से समझें कि व्यवहार में बौराना शब्द का प्रयोग पगलाना या पागल होने के अर्थ में भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दोहे में कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है,
जबकि सोने के मिलने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मादकता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही, और वह भी थोड़े समय के लिए, आदमी का सिर घुमाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि धन का नशा अन्य सभी नशों से अधिक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने से कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु सोने का अर्थात धन का नशा बना ही रहता है और जीवन की अन्य गतिविधियों पर भी उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह रूप में, विभिन्न रूप में दिखाई देता है। तो इस दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। साथ ही यह नीतिगत संकेत भी है कि धन दौलत सुख संपत्ति पाने पर मनुष्य को अपने व्यवहार को नियंत्रित और संयमित रखना चाहिए। यहाँ कवि ने कनक शब्द का प्रयोग दोनों बार भिन्न अर्थों में, पहली बार सोना और दूसरी बार धतूरा रूप में किया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ यमक अलंकार का सौंदर्य है। तो शिक्षार्थियों, अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हुए जात अजौं वह वा जमुना के तीर। शिक्षार्थियों, आप जानते हैं कि कृष्ण गोकुल में सभी गोपियों को बहुत प्रसन्न रखते थे। बाद में जब वे गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, तब सभी गोपियां उनकी याद में बहुत दुखी रहती थीं। परंतु जब भी वे कृष्ण को, उनकी पुरानी बातों को याद करती, तब कुछ समय के लिए वे खुश हो जाती थी। तो इस दोहे का प्रसंग है कि इस दोहे में कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस यमुना के तट पर पहुंचकर मेरा मन आज भी वही वैसा ही हो जाता है। वहां घने कुंजों की छाया अत्यंत सुखदायी लगने लगती है तथा सुगंधित वायु बहुत शीतलता प्रदान करने लगती है। अब हम इस दोहे की व्याख्या देखते हैं। इस दोहे की व्याख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द वह है। कवि यह न बताकर कि मन ऐसा हो जाता है, पाठक के सामने अर्थ विस्तार की अनंत संभावनाएं छोड़ देता है। वही का प्रसंग है वैसा, जैसा कि प्रसंग है उस समय जब कृष्ण ब्रज में ही थे। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि मन जैसा कृष्ण के यहाँ होते हुए, उनके साथ रहते हुए होता था, आज भी वैसा ही हो जाता है। अब देखिए, वैसा अर्थात कृष्ण के साथ रहते जैसा में जो अर्थ संभावनाएं मौजूद हैं, वे किसी एक, दो या कुछ बातों के बताने पर सीमित नहीं हो जाती। आप अनुमान लगाएं, कैसा लगता होगा गोपी को? वह कृष्ण के साथ है, उनसे बातें कर रही है, उनके साथ खेल रही है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां उमंग और उल्लास से भरी हुई हैं, गोपियों के साथ कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं। इस तरह की अनंत संभावनाएँ हैं। तो इसमें गोपी कहना चाहती है कि वे तमाम सुखद क्षण उसे अपने में फिर से डुबो लेते हैं जो कभी उसने कृष्ण के साथ बिताए थे। कृष्ण के विरह में गोपी को कलेजे में टीस का अनुभव होता है, हवा भी अच्छी नहीं लगती। परंतु जब वह कुंजों की छाया में कृष्ण के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद करती है, तब सभी कुछ भूलकर कृष्ण में पुनः डूब जाती है। उसे यमुना के तट पर पहुंचकर कृष्ण की केवल याद भर नहीं आती जो कलेजे को टीस पहुंचाए, और छाया भी जलाने वाली नहीं लगती। सुगंधित हवा भी तन मन को विरह ताप से झुलसाने वाली नहीं लगती, बल्कि यमुना तट की ये स्मृतियाँ इतनी सघन, सुखद और मधुर हैं कि वे उसे आज से मुक्त करती हैं और उसके दिल दिमाग को उसी कालखंड में ले जाती हैं जब वह उल्लास और उमंग से भरी कृष्ण के साथ होती थी। इस तरह वह आज भी विरहग्रस्त न होकर कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने वाली हो जाती है। इस कारण विरह में जो सघन कुंज छाया पीड़ा देती थी, वह सुखद लगने लगती है, और जो सुगंधित वायु शरीर को झुलसाती सी लगती थी, अब शीतल लगने लगती है। शिक्षार्थियों, आप ध्यान दें कि मन है जात अजौं वह में वह का वक्रोक्ति सौंदर्य बहुत सराहनीय है और बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति इससे हो रही है। बात को सीधे सीधे न कहकर उसमें असीम संभावनाओं को पिरो दिया गया है। वह चितवन औरे कछु जिही बस होत सुजान। शीतल सुरभि समीर में तो आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि कौन सा अलंकार है। स की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कवि ने जमुना के तीर न कहकर वा जमुना के तीर कहा।
वा यानी यमुना किनारे का वह निश्चित स्थान जहाँ कृष्ण गोपी मिलते थे। इसी संकेत के कारण वह सुनने पढ़ने वाले वह की अर्थ संभावनाएं समझ जाते हैं। शिक्षार्थियों, अब हम अगला दोहा देखते हैं। यह है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सौ कियो दीरग दाग निदाग। अब जरा बिहारी के प्रकृति चित्रण वाले दोहे का हम शब्दार्थ सहित अध्ययन करते हैं। आपने गौर किया कहलाने शब्द पर। कहलाने शब्द का अर्थ कहलाने भर के लिए नहीं है। यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर कहना। कहलाना क्रिया शब्द का ब्रज भाषा में इसी अर्थ में प्रयोग होता है। तपोवन की विशेषता क्या होती है आप जानते हैं ना, कि आपने पढ़ा भी होगा कि ऋषि मुनियों के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाँ वे तपस्या करते हैं। जी हाँ, वही होता है तपोवन, जहाँ वे लोग तपस्या करते थे और किसी भी किस्म की हिंसा वहाँ वर्जित होती थी। तो क्या आप जानते हैं कि दाग का अर्थ होता है ताप और निदाग का गर्मी। अब दीर्घ यानी दीर्घ शब्द पर विचार करते हैं। दीर्घ का अर्थ है लंबा, विस्तृत, गहरा, भारी। शिक्षार्थियों, आपने अनुभव किया होगा कि कवि बिहारी ने भक्तिकालीन कविता से थोड़ा अलग हटकर नितांत अनौपचारिक रूप से लगभग मित्रता के भाव से कृष्ण का स्मरण किया है। इसके अतिरिक्त उनकी कविता में कृष्ण श्रृंगार रस के नायक के रूप में भी उपस्थित हैं। रीति काव्य में प्राय कृष्ण इसी रूप में मिलते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि रीति सिद्ध बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति जो है वह श्रृंगार वर्णन। उसके विविध रूपों की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की प्रस्तुतियाँ मन को छू लेने वाली हैं और उनकी काव्य की भी यही प्रमुख विशेषता है। इसके लिए बिहारी ने नायक नायिका की विभिन्न दैनिक गतिविधियों को ही आधार बनाया है। प्राय घर भर की उपस्थिति में अपने अनुराग को व्यक्त करने अथवा उसकी अनुभूति के चित्र उनकी कविता में मिलते हैं। आप संभवतः उनकी इस प्रसिद्ध दोहे से परिचित होंगे जिसमें समस्त गुरुजन की उपस्थिति में नायक नायिका नेत्रों से ही सारा वार्तालाप कर लेते हैं। आप ये दोहा देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सौ बात। आपने देखा कि किस दक्षता के साथ बिहारी ने एक ही पंक्ति में सात क्रियाओं का वर्णन किया है। उनका यह दोहा शिल्प की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के प्रयोग का भी अद्भुत उदाहरण है यह। ऐसे ही प्रयोग के कारण कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति काव्य भी लिखा है, पर प्रकृति चित्रण के जितने सुंदर दोहे उन्होंने लिखे हैं अन्यत्र दुर्लभ हैं। यद्यपि रीति काव्य में प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र मिलते हैं, पर वे प्राय कवित सेवैया जैसे छंदों में हैं जहां वर्णन के लिए दोहे की तुलना में अधिक शब्द और पंक्तियां होती हैं। कवि बिहारी जीवन के विविध अनुभवों से संपन्न तो थे ही, वे आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति आदि अनेक शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। उनके अनेक दोहों में उनके इस ज्ञान की छाप मिलती है। अब हम बात करते हैं बिहारी की भाषा के बारे में। बिहारी ने अपनी समस्त रचनाएं दोहा छंद में की हैं और उनकी भाषा ब्रज भाषा है। प्राय समस्त रीति काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। अपने माधुर्य के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार और प्रकृति चित्रण के लिए उपयुक्त भी है। बिहारी ने भाषा प्रयोग में बहुत व्यापकता दिखाई है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से लेकर आम बोलचाल के शब्दों तक का प्रयोग उन्होंने किया है। लोक में प्रचलित मुहावरों का अत्यंत सटीक प्रयोग उनकी काव्य भाषा की विशेषता है, लेकिन सबसे अधिक सराहनीय है उनकी भाषा की लाक्षणिकता, यानी सामान्य से लगने वाले वर्णन में निहित अर्थचारुत्व और अनेक अर्थों की संभावनाएं हैं। शिक्षार्थियों, यह तो आप इस पाठ में पढ़े दोहों से जान चुके होंगे कि कवि बिहारी ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त उन्होंने संदेह, भ्रांतिमान, वीप्सा, व्याज स्तुति, दृष्टांत, विभावना आदि बहुत से अलंकारों का अद्भुत प्रयोग किया है।
भाषा की आलंकारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की बिहारी के कुछ दोहों की, उनके दोहों के भाव सौंदर्य की, उनकी भाषा की। तो एक बार हम इन प्रमुख बिंदुओं को फिर से दोहरा लेते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति चित्रण से संबंधित अत्यंत सुंदर दोहों की रचना की है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का चित्रण करते समय बिहारी ने नायक नायिका की दैनिक गतिविधियों को चुना है। घर के भीतर अपने प्रेम को व्यक्त करने तथा दूसरे को देखते ही प्रेम की अनुभूति होने के चित्र बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। बिहारी के भक्ति परक दोहे भक्तिकालीन काव्य से अलग हटकर हैं। उन्होंने सख्य भाव से अत्यंत अंतरंगता के साथ कृष्ण का स्मरण किया है। कृष्ण उनके काव्य में श्रृंगार के नायक के रूप में भी उपस्थित हैं। बिहारी ने प्रकृति के कोमल और रुचिकर रूपों के साथ साथ उसके प्रचंड रूपों का भी सुंदर वर्णन किया है। बिहारी के काव्य में तत्सम शब्दों से लेकर ठेठ ग्रामीण शब्दों तक का प्रयोग हुआ है। लोक में प्रचलित मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग करने में बिहारी अत्यंत दक्ष हैं। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों तथा अर्थ छवियों की संभावना रहती है, जिसके कारण उनके विषय में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। आलंकारिकता बिहारी की भाषा की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात उनके सामान्य से दिखने वाले शब्द प्रयोग और उक्तियाँ अपने में विशिष्ट अर्थ संकेतों को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। शिक्षार्थियों, तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की बिहारी की और उनके दोहों की। मैं आशा करती हूँ कि इस चर्चा से आपको बिहारी के दोहों को समझने में और उनकी भाषा को जानने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर
ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र को लेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग।